हेलो स्टूडेंट्स, वी आर सीइंग नाइन्थ स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. ओके, इन द प्रीवियस वीडियो we have studied about what? About solids, liquids and gases and interconversion between them. Okay, that we have studied in our previous video. What we have studied? That to change the state of matter, what we have to do? To change the state of matter, we have to change its temperature. What is the meaning of this? Change its temperature means to apply heat or remove heat from it. And second, what we do is change pressure on the substance. Okay, by changing the heat energy and by changing the pressure on a substance, we can change its state. Okay, that we have studied. Means some solids, when we apply heat to it, it get converted into liquid. The process is called as melting. And it happens at what? At melting point. At melting point, solids get converted into liquid. ये चीजें हमने देखी हैं. Solid का liquid में conversion होता है, हम बोलते हैं उसको melting. Liquid का gas में conversion होता है, हम उसको बोलते हैं boiling. ओके, अगर मैंने लिक्विड को कूल किया तो लिक्विड को कूल करने के बाद में उसका कन्वर्शन सॉलिड में हो जाता है, हम इसे बोलते हैं फ्रीजिंग, है ना. गैस को अगर मैंने कूल किया तो गैस का कन्वर्शन होता है लिक्विड में, प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन. और कुछ कुछ केसेस में सॉलिड्स को अगर मैंने हीट किया तो दैट डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इंटू गैसेस. ओके, The process is called as sublimation. Sublimation किस किस substance का होता है? Okay, इसका एक example आप अगर consider करोगे तो camphor. Camphor जो है हमारे घर में होता है ना, kitchen में भगवान की पूजा के पास होता है, वो camphor जो है उसको अगर आपने heat किया तो उसका direct काय में conversion होता है? Gas में conversion होता है. Camphor है, उसके बाद में naphthalene ball होते हैं अपने घर में. नेप्थलिन बॉल, इसके बाद में हमारे घर में क्या, ओके, नेप्थलिन बॉल, कैंपर, ये तो हम बहुत इजीली हमारे आजू बाजू में देख सकते हैं. इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड, ये जो सब्सटेंसेस है, ये सब्सटेंसेस कैसे हैं? ये सब्सटेंसेस सब्लिमेट होते हैं, मीन्स डायरेक्ट वो सॉलिड से काय में कन्वर्ट होते हैं. दे आर कन्वर्टेड इंटू गैस, और गैस को अगर आपने कूल किया तो आपको फिर से वापस क्या मिलता है? सॉलिड मिलता है. ओके, नॉट ओके. सो दिस पार्ट वी हैव सीन. और बाय चेंजिंग प्रेशर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर मेरे पास आइस है, आइस को अगर मैंने प्रेस किया तो आइस का कन्वर्शन काय में होता है? आइस का कन्वर्शन होता है वाटर में. ये आपने देखा भी होगा, ठीक है ना. ये प्रोसेस आप बहुत इजीली करके देख सकते हो, ठीक है ना. सो व्हाट इज दिस? बाय चेंजिंग द प्रेशर यू कैन व्हाट? यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. इसका और एक एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं आपके यहाँ पे, उसमें कंप्रेस्ड करके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब जो गैस है आपका नेचुरल गैस जो है उसको कंप्रेस किया जाता है. कंप्रेस किया मतलब उसका प्रेशर क्या किया आपने? उसका इंक्रीज किया, और कंप्रेस करने के बाद में दैट गेट कन्वर्ट इंटू व्हाट? इट गेट कन्वर्टेड इंटू liquid. So in this way we have seen that to change the state of a substance, you either change its heat energy or either you change the
टेम्परेचर, आइदर यू चेंज द प्रेशर, ओके। ये हमने देखा है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो देखना है वो आपने मतलब चेंज स्टेट, आपने हीट सप्लाई किया किसी चीज़ को, तो हीट अप्लाई करने के बाद में उसका क्या होता है, उसका जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ओके। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज होता है। और स्टेट सब्सटेंस की एक स्टेट में से दूसरे में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ओके। इसके बाद में हमें एक टॉपिक देखना है कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स व्हाट, आप किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर हम कंसिडर करें, अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बता रही हूँ, वो ध्यान से सुनो, कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप कंसिडर करते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। व्हाट आर दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। हर पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। अगर सॉलिड्स भी है, सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, वो रैंडमली मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, बट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। ये हमने देखा है इसके पहले, इसमें भी हमने देखा है कि सॉलिड्स के पार्टिकल जो है उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, अपने पोजिशन के आसपास वो वाइब्रेट होते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो वाइब्रेशंस है एक पर्टिकुलर, एक पार्टिकल का वाइब्रेट होता है मतलब इट इज़ हैविंग सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तीसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ऐसे जितने भी पार्टिकल्स एक सब्सटेंस में होंगे वो सारे सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, इट रिप्रेजेंट इट्स टेम्परेचर, ओके। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्सटेंस का टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, है ना। हर पार्टिकल की खुद की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। और आपने क्या किया, आपको, आपने इसको बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई की। आफ्टर सप्लाइंग ऑफ हीट एनर्जी, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय ईच ऑफ द पार्टिकल, और सभी पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद में इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी हर पार्टिकल की इंक्रीज हुई तो क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। सो व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, ओके। किसी भी सब्सटेंस के काइनेटिक एनर्जी का मेजर अगर आप करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, उसका टेम्परेचर बोलते हो। टेम्परेचर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आप क्या करते हो, मेजर करते हो बाय यूजिंग व्हाट, विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। आप थर्मोमीटर या इंस्ट्रूमेंट यूज करके क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है टेम्परेचर मेजर करने का। हम जो यूनिट जानते हैं टेम्परेचर के वो है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना। ये दो यूनिट्स जो है ये हमें पता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये दो यूनिट हमें पता है। लेकिन इनके अलावा भी एक यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, उसका कौन सा है, केल्विन। केल्विन का के स्मॉल है, हाँ केल्विन, ये टेम्परेचर मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। इसको हम कैपिटल के से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ओके। दिस इज द सिंबल ऑफ केल्विन, ओके। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मुझे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसको कन्वर्ट हमें अगर
केल्विन में करना है तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूले हैं, हम दो फॉर्मूले देखने वाले हैं। देखो, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है कि केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस, डिग्री का सिंबल है, जीरो नहीं है, प्लस 273। ओके, मतलब इसका आपकी जो डिग्री सेल्सियस की स्केल होती है ना, ये आपके जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो डिग्री सेल्सियस, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 डिग्री सेल्सियस एट्सेट्रा। केल्विन की स्केल उससे 273 यूनिट से नीचे से स्टार्ट होती है। इसकी स्केल यहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन एट्सेट्रा। और ये मतलब इसका डिग्री सेल्सियस का कौन सा यूनिट होगा, ये है 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये बात ध्यान में रखो कि जीरो डिग्री सेल्सियस, सॉरी जीरो केल्विन का मतलब क्या, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, ये कंसेप्ट कहाँ से आया था, तो ये कंसेप्ट देखो, यहाँ पे हम वापस जाते हैं थोड़ा सा, कि हमने क्या, मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं, बराबर है। ये टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू आप अगर कंसिडर करो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मोशन में ही होते हैं ये पार्टिकल्स, मोशन में होते हैं। तो ये चीज़ ऑब्जर्व की जाती है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, अगर किसी ने टेम्परेचर कम किया तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कम होनी चाहिए। अगर आप किसी सब्सटेंस को कूल करते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। टेम्परेचर कम मतलब काइनेटिक एनर्जी कम, तो होना ऐसे चाहिए था कि अगर आपने टेम्परेचर बिल्कुल जीरो डिग्री अप्लाई किया, सेल्सियस नहीं लिख रही हूँ मैं, तो एक पर्टिकुलर कोई तो भी टेम्परेचर की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए थी कि जिसके लिए सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जीरो, है ना। मतलब इसके आगे आपका जो पार्टिकल्स है सारे के सारे, जैसे कि उनको किसी ने स्टैचू बोला है, ऐसे स्टेबल होने चाहिए बिल्कुल, है ना। ये जीरो डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, तो इसके लिए फिर साइंटिस्ट लोगों को फिर निगेटिव टेम्परेचर्स आए। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती। इसके बाद में केल्विन ने ये जो स्केल है थोड़ी और नीचे तक लेके गए वो, और फिर उन्होंने क्या किया, केल्विन स्केल का जो जीरो है उसको आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो चुकी होंगी। ओके, तो ये जो है मतलब आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे जीरो केल्विन जो है -273 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या लेते हैं आप, इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोला जाता है। ठीक है, और कोई भी टेम्परेचर आपको बोला है कि मुझे ऐसे बोला है, फॉर एग्जाम्पल कि 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करो 273, इसको कन्वर्ट करो केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करना मतलब क्या, उसमें 273 क्या करो आप, ऐड करो, 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 10 प्लस 273 इक्वल टू 283 केल्विन। ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट, यू कैन कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, इन द सेम मैनर वी कैन कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट। ओके, सो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर आपको दिया है उसको आपको 9/5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, प्लस अगर इसमें मैं 32 ऐड करती हूँ तो आई विल गेट टेम्परेचर इन फारेनहाइट। ओके, या इसी के ऊपर से फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हम ला सकते हैं, फारेनहाइट, एक मिनट, हाँ, सेल्सियस का फॉर्मूला, सॉरी, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा, F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, आप डिग्री सेल्सियस का फारेनहाइट में या फारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस में कन्वर्शन कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ कहाँ तक के पार्ट, टेम्परेचर का पार्ट। ठीक है, अभी हम आगे के पार्ट पे जाएंगे, व्हाट इज इट, नेक्स्ट प्रोसेस हम देखने वाले हैं, इवोपरेशन, इवापो
ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। जो वेपराइजेशन की प्रोसेस हमने देखी है ना, इवोपरेशन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम वेपराइजेशन। ओके, तो इसके पहले हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन मतलब क्या हम देखते हैं। बॉइलिंग और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेपराइजेशन। वॉट इज इट? इसकी डेफिनेशन आप कैसे करोगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। ओके, मतलब किसी भी लिक्विड को अगर मैंने हीट किया, तो हीट करने के बाद में उसके बॉइलिंग पॉइंट पे वो सब्सटेंस क्या होता है? गैस में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलते हैं, बराबर है ना। फॉर एग्जांपल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मैंने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया, तो बाद में उसका कन्वर्शन काय में हो सकता है? उसका कन्वर्शन हो सकता है गैस में, वाटर वेपर में। ये हमें पता है, द प्रोसेस वी नो। अभी इसके थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है इवोपरेशन की। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवोपरेशन। किसी इवोपरेशन अभी इमेजिन करो आप कि क्या सपोज कहीं पे थोड़ा सा वाटर गिरा है, किसी जगह पे थोड़ा सा वाटर क्या है, स्प्रेड हुआ है। वाटर इज स्प्रेड ओवर द फ्लोर फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो क्या होगा? क्या वाटर वहां पे हमेशा के लिए पड़ा रहेगा? वाटर अगर किसी जमीन के ऊपर ऐसे थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो क्या वो हमेशा के लिए वहां पे रहेगा वैसा का वैसा? नहीं, आपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ समय के बाद में वाटर गेट ड्राइड। अगर जमीन पे वाटर गिरा है, तो आफ्टर सम टाइम द वाटर गेट ड्राइड। वाटर क्या होता है? सूख जाता है। अभी ये वाटर सूखा कैसे? सूखा गायब हो गया मतलब क्या? जादू हो गई क्या? मैजिक है क्या कोई? कि यहां से गायब हो गया, कहीं दूसरी जगह पे प्रकट हो जाएगा? सो इट इज नॉट मैजिक। वॉट इज हैपनिंग हियर? हियर वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू वाटर वेपर। क्या होता है? आपने किसी जगह के ऊपर, या आप जो क्लोथ्स को ड्राई करते हो ना, क्लोथ्स ड्राइंग, आपने धोने के बाद में क्या करते हो उसको? आप जो रस्सी वगैरह पे डालते हो, तो क्या होता है वहां पे, उसके अंदर का जो वाटर है, वो वाटर कहाँ पे जाता है? वो वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। अभी इसके लिए आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक के वाटर को बॉईल किया क्या? कि नहीं, इसको पहले हीट करते हैं अपन, 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा? वो उसका वेपराइजेशन हो जाएगा। हम उसका वेट करते हैं क्या? नहीं, हम उसका वेट नहीं करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको हर बार हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर बार उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो ये प्रोसेस जो है, ये रूम टेम्परेचर भी पे भी होती है। और ये आप ऑब्जर्व करो कि इवोपरेशन मतलब, अगर ये तो बहुत सिंपल है, आपके कपड़े मानसून में भी सूखते हैं, आपके कपड़े समर में भी सूखते हैं, आपके कपड़े विंटर में भी सूखते हैं। कभी समय कम लगता है, कभी ज्यादा लगता है, ये बात अलग है, लेकिन आपके कपड़े सूखते तीनों सीजन में है ना। अगर आपने घर को पोछा लगाया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो पोछा लगाया हुआ रात को भी लगाओ तो भी सूखेगा, दिन में लगाओ तो भी सूखेगा, बारिश हो तो भी सूखेगा। हालांकि बारिश के दिनों में वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वाटर का जो ये जो कन्वर्शन है वाटर वेपर में, ये हर सीजन में, हर टेम्परेचर पे, हर वक्त होते रहता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवोपोरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोपोरेशन। ओके, सो ये प्रोसेस कौन सी, किस प्रोसेस को हम बोलेंगे? द कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर
एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, आप उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर में वाटर का कन्वर्शन वाटर वेपर में होता है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस इज नोन एज इवोपोरेशन, द प्रोसेस इज नोन एज इवोपोरेशन. ओके वॉट इज इट, देखें हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड into gas or vapors, we will say the process of changing a liquid into gas or vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. The process of changing liquid into gas at any temperature below its boiling point. किसी भी सब्सटेंस को उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोपोरेशन. ओके द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवोपोरेशन, इसको हम बोलते हैं इवोपोरेशन. अभी एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो कि इवोपोरेशन हो रहा है मतलब वाटर का कन्वर्शन वाटर वेपर में हो रहा है, इसका मतलब आप उसको एनर्जी सप्लाई करो ना करो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना. अगर आपका लिक्विड जो है, इफ द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, इफ द लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, इट मींस दैट इट इज गेनिंग एनर्जी फ्रॉम समवेयर, इट इज गेनिंग एनर्जी फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से तो इसको एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है. तो ये कहाँ से एनर्जी लेता है इवोपरेट होने के लिए, हाँ इवोपरेट होने के लिए ये एनर्जी कहाँ से लेता है, तो ये लेता है एनर्जी सराउंडिंग से. टू गेट इवोपरेट मतलब लिक्विड का वाटर में कन्वर्शन होने के लिए द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. ओके टू गेट इवोपरेट द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सो इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड इट गेट कन्वर्टेड इंटू वॉट इट गेट कन्वर्टेड इंटू गैस. ओके कोई भी चीज है वो अपने सराउंडिंग में से क्या करता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और उसका कन्वर्शन काय में होता है, गैस में होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये जो है हमारे आजू बाजू में जितने भी कूलिंग से रिलेटेड चीजें हैं ना, वो कूलिंग के लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है कूलिंग कैसे होती है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इवोपरेशन causes cooling. Evaporation की वजह से कूलिंग होती है आपकी सराउंडिंग में. इसका बेस्ट एग्जाम्पल और बहुत सिंपल, आप बहुत इजीली इसकी ट्रायल ले सकते हो. कैसे ले सकते हो, देखो थोड़ा सा एक कोई तो भी स्प्रे लो या परफ्यूम लो. स्प्रे में अल्कोहल होता है ना. स्प्रे मतलब क्या, परफ्यूम. स्प्रे सम परफ्यूम ऑन योर हैंड, आपके हैंड की जो बैक साइड है उसके ऊपर सम परफ्यूम क्या करो, आप स्प्रे करो. स्प्रे करने के बाद में यू विल फील कूलनेस ऑन योर हैंड. हम जनरली स्प्रे करते हैं हमारे हैंड के ऊपर, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्प्रे करने के बाद में दो चीजें होती हैं. पहली चीज तो हमें पता है कि अल्कोहल कैसा है, अल्कोहल वोलाटाइल है. वोलाटाइल मतलब उड़ने वाला अल्कोहल. आप बोलते हो ना गाड़ियों में वगैरह, जब अल्कोहल आप पेट्रोल डालते हो डीजल डालते हो, तो पेट्रोल डीजल डालने के बाद में आपको उसका जो ढक्कन है वो तुरंत बंद करना होता है, बराबर है ना. अगर नहीं करोगे तो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल डीजल उड़ जाएगा.
उड़ जाएगा, जो जो सब्सटेंसेस उड़ जाते हैं, उड़ना मतलब क्या है, उनका जो है लिक्विड का कन्वर्शन गैस में हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है वोलाटाइल सब्सटेंसेस। जब आप स्प्रे करते हो ना कोई भी परफ्यूम, जब आपने आपके हैंड के ऊपर स्प्रे किया तो आप ऑब्जर्व करो कि बहुत जल्दी वो उड़ जाता है, उड़ता है ना, उड़ता है मतलब क्या, मतलब उसका कन्वर्शन होता है उसके वेपर्स में, कन्वर्शन काय में होता है, वेपर्स में होता है। ये तो पहली चीज होती है। और दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करो कि जब ये परफ्यूम उड़ता है ना, उड़ने के बाद में आपका जहाँ पे आपने उसको डाला था, सपोज ये हाथ है, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे किया, तो मुझे थोड़ी देर बाद ये जो सरफेस है ना, ये कूल लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है ना, ऑब्जर्व किया है आपने? अगर नहीं किया होगा तो सबके घर में आजकल परफ्यूम होता ही है, थोड़ा सा परफ्यूम हाथ पे लो और ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड जो है, आप ये एक्सपेरिमेंट इसके साथ भी कर सकते हो, कौन, सैनिटाइजर। आपकी सैनिटाइजर का स्पेलिंग बराबर है ना, चेक कर लो। तो जो सैनिटाइजर्स अल्कोहल बेस्ड होते हैं ना, आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर के साथ में भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हाथ पे लगा के जब हाथ उससे को उससे आप हाथ हैंड वॉश करोगे तो आपको कैसे लगेगा, आपको आपके हाथ को कूल लगेगा, है ना, कूल हो रहा है आपका हाथ। मतलब क्या, इसने क्या किया, जो आपका अल्कोहल है या परफ्यूम के अंदर का जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल क्या करता है, ये अल्कोहल हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, एब्सॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम अवर स्किन या फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और क्या हो जाता है, गेट इवोपरेटेड, ये खुद इवोपरेट हो जाएगा। और इसके वजह से हमारी स्किन के स्किन एंड बिकॉज ऑफ दिस अवर स्किन फील कूलनेस, हमें कैसे लगता है, कूल लगता है, बिल्कुल ऐसे ठंडा लगता है ना। तो ये फीलिंग किसके वजह से आती है, बिकॉज ऑफ इवोपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल आपके घर में जो कूलर होते हैं, कूलर का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, कौन सा कूलर, वी आर टॉकिंग अबाउट एयर कूलर। एयर कूलर जो घर में होते हैं हमारे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सिर्फ बॉर्डर से, है ना। यहाँ पे आपका पंखा है और ये जो साइड्स हैं इसके, ये दो साइड्स और एक पीछे की साइड, यहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं, यहाँ पे टाटा लगे हुए होते हैं। टाटा को क्या बोलते हैं, टाटा को क्या बोलते हैं, तो इसके यहाँ पे क्या होता है, जो वुडन ग्रास जो होती है ना, जनरली वो वुड से बनी हुई होती है, नॉट नॉर्मल ग्रास, ये ग्रास के ऐसी फ्रेम्स बनी हुई होती है। अभी इसको क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आई होप आप सबको पता चल गया है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो ये जो वुडन फ्रेम्स है, ये चारों ओर से इसको लगी हुई होती है। आजकल एक नई डिजाइन में फ्रेम मिलती है ये, इसको हनी कॉम डिजाइन बोलते हैं ना, है ना। तो ये डिजाइन की यहाँ पे क्या होती है, दोनों साइड से और पीछे के साइड में ऐसे फ्रेम्स लगाए हुए होते हैं, बराबर है। और इसको आप क्या करते हो, ये वाटर कूलर है आपका, तो आप इस आपने इसको क्या किया, वाटर सप्लाई किया, वाटर ऊपर जाता है, ऊपर से जाने के बाद में ये जो है ये फ्रेम्स के ऊपर से पानी गिरता है। पानी गिरने के बाद में देखो अभी क्या होता है, ये जो वाटर है ना, ये वाटर इवोपरेट होगा, ओके। इसके जो फ्रेम्स है, फ्रेम्स को लगा हुआ वाटर जो है, ये वाटर विल गेट इवोपरेट, और इवोपरेट होने के लिए उसको हीट एनर्जी चाहिए। तो वो हीट एनर्जी क्या लेगा, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है, ये एयर में से ये क्या करेगा, हीट एनर्जी निकाल लेगा, बिकॉज ऑफ विच द एयर इनसाइड बिकम कूलर, द एयर बिकम कूलर। और ये जो फैन है, ये फैन क्या करता है, ये कूल एयर बाहर पुश करता है, उसकी जगह फिर से हॉट एयर लेगा, फिर से इवोपरेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यूअसली होती रहती है, जब तक कि आपका वाटर का पंप ऑन रहेगा तब तक यहाँ पे इवोपरेशन की प्रोसेस होगी, और तब तक आपका कूलर क्या करेगा, इट विल पुश कोल्ड एयर आउट ऑफ द कूलर, ओके। अभी ये जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ समर के डेज में बहुत अच्छी तरह से होती है, अगर रेनी सीजन है ना तो रेनी सीजन में आपका कूलर भी कूल नहीं करता है अच्छे से, क्यों पता है, क्योंकि रेनी सीजन में टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी जो प्रोसेस है इवोपरेशन, इसका रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कूलर, द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन इन कूलर, ओके। ये है सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद में थर्ड कंसिडर करो कंडीशन, कि समर के डेज में
हमें पसीना बहुत आता है, आता है ना। इन समर डेज वी परस्पायर, परस्पायर मतलब हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, वी परस्पायर मोर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या आता है, पसीना आता है। ये पसीना आने के बाद में आपके जो कॉटन के क्लोथ्स हैं, ये कॉटन के क्लोथ्स क्या करते हैं, आपका ये जो स्वेट है, ये स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में आपके कॉटन के स्वेट जो है वो कैसे बन जाएंगे, कॉटन के क्लोथ्स जो है वो वेट हो जाएंगे, है ना। और जब इसको बाहर से विंड लगती है तो ये क्या करता है पता है क्या, ये जो स्वेट या पसीना है या उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो इवोपरेट हो जाएगा, इट विल गेट इवोपरेटेड। और इवोपरेट होने के लिए ये क्या इस्तेमाल करते हैं, इट यूजेस द हीट ऑफ आवर बॉडी फॉर इवोपरेशन, द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड वी फील, और हमें कैसे लगता है, बिकॉज ऑफ विच वी फील कूल, हमें ठंडा लगता है, ठीक है ना। पसीना हमारी बॉडी की अरेंजमेंट है वो खुद को कूल रखने की, जब आजू बाजू का सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो बॉडी में परस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके वजह से हमें स्वेट ज़्यादा आता है, और वो जो स्वेट है उसका इवोपरेशन जब होगा तो वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, कम करता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवोपरेशन, ओके, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवोपरेशन। सो दिस इज अबाउट थर्ड एग्जाम्पल। और फोर्थ एग्जाम्पल अभी हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो अर्दन पॉट होता है ना हमारे घर में, अर्दन पॉट यानी मटका पानी का, इसमें पानी ठंडा कैसे होता है। जो पॉट है आपका, कई लोग पता है कि ये पॉट के ऊपर भी थोड़ा सा गीला कपड़ा डालते हैं, है ना। ये जो है ये बना हुआ है मिट्टी से, इट इज मेड अप ऑफ सॉइल, सॉइल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स, हमें दिखते नहीं है लेकिन ये जो सब्सटेंस है ये पोरस होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, होते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद में इसके अंदर आपने इसको क्या किया है, पूरा वाटर से भरा है, और ये जो है जो मटका होता है ना ये सोक होता है, ये पूरा स्टील के बर्तन जैसा नहीं होता है, ये इसके जो पोर्स है इसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ पानी हमेशा क्या होता रहेगा, लीक होता रहता है, बराबर है। और ये सरफेस के ऊपर जो वाटर के ड्रॉप्स जमेंगे दे गेट इवोपरेटेड, और ये वाटर ड्रॉप्स कंटिन्यूसली इवोपरेट होते रहते हैं। इवोपरेट होने के लिए वो हीट एनर्जी कहाँ से लेंगे, दे एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द पॉट, पॉट के अंदर की हीट एनर्जी वो बाहर निकाल लेते हैं, और इसके वजह से ये अंदर की हीट बाहर निकलने के वजह से द वाटर बिकम्स कूल। तो मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहने के पीछे भी कौन सा रीजन है, द रीजन बिहाइंड इट इज ऑल्सो वॉट, इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, ओके। नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड वॉट, वी हैव कवर्ड द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, ओके। और इवोपरेशन के प्रोसेस का रिजल्ट, रिजल्ट क्या है इसका, इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, उसके चार एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे क्या किए, कंसिडर किए, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक हमें देखना है, वो है मतलब वी विल कंसिडर फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। अभी इवोपरेशन की प्रोसेस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके इवोपरेशन के प्रोसेस को फास्ट करती है, स्लो करती है, दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर इन दिस टॉपिक, ओके। सो इसके लिए आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है आपका कि मैंने क्या किया, एक कप लिया और कप में मैं चाय पी रही हूँ, टी है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, ओके। और बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म अगर लगेगा तो आप क्या करते हो, आप इसको सॉसर में डालते हो और बाद में इसको पीते हो, ओके। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि कप में चाय ज़्यादा समय तक हॉट रहती है और उसको सॉसर में निकालने के बाद में वो जल्दी से कूल होती है ना, क्यों होती है ये प्रोसेस, किस वजह से होती है, ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके पीछे का जो रीज़न है ना वो हमारे एक फैक्टर में से आता है इवोपरेशन के। तो इसके पीछे रीज़न क्या है पता है, रीज़न इसके पीछे ये है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना रेट ऑफ इवोपरेशन
ज़्यादा, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया कम है रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। अगर मैंने कप कंसिडर किया तो कप का सरफेस एरिया कम होता है, कप का सरफेस एरिया कम होता है मतलब इसमें से कम अमाउंट ऑफ हीट क्या हो सकती है, सराउंडिंग में जा सकती है ना। और सॉसर का एरिया ज़्यादा है मतलब इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो लिक्विड है वो क्या होगा, सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में होगा, तो इसमें इवेपोरेशन का रेट कैसे होता है, ज़्यादा होता है। तो ये पहली चीज़ ध्यान में रखो। इसीलिए देखो आप कंसिडर करते समय जितनी भी वेल्स वगैरह बनाती है ना, लेक बनाने से ज़्यादा वेल्स बनाना प्रिफरेबल है। मतलब अगर मुझे वाटर का स्टोरेज करना है तो मैं लेक्स, गाँव में लेक्स बनाने के बजाय वेल्स क्यों प्रीफर की जाती है, क्योंकि वेल का सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होगा तो उसमें से वाटर का इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वेल्स जो है उसमें ज़्यादा समय तक वाटर कैसे रहता है, टिक के रहता है। तो पहली चीज़, पहला फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या बोलूँगी मैं, नंबर वन इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, ओके। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया इज मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज मोर, इफ सरफेस एरिया इज लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस, ओके। तो ये था पहला फैक्टर जिसके ऊपर आपका इवेपोरेशन का रेस क्या, रेट क्या होता है, डिपेंड होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर नंबर टू, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ओके। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड सराउंडिंग, लिक्विड और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, उसके ऊपर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, डिपेंड होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे कंसिडर करें अपन इसको, कि टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा है, दो चीज़ों के टेम्परेचर में डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। डिफरेंस अगर कम है तो इवेपोरेशन कैसे होगा, इवेपोरेशन भी कम होगा। इसका सीधा एग्जांपल कंसीडर करो ना, समर के डेज में आपके पास समर डेज है, तो समर के डेज में आपके जो आप कपड़े जो धोते हो वो सूखते जल्दी सूखते हैं कि उनको सूखने के लिए देर ज़्यादा लगती है, अगर मैंने समर और विंटर कंसीडर किया तो, विंटर में कपड़े जल्दी सूखते हैं कि समर में सूखते हैं, डेफिनेटली समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों, क्योंकि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो आपके वाटर का टेम्परेचर और समर के डे का टेम्परेचर इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है इसके वजह से कपड़े ड्राई जल्दी होते हैं। विंटर में ये डिफरेंस कम होता है, डिफरेंस कम होने की वजह से इवेपोरेशन को समय क्या लगता है, ज़्यादा लगता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टेम्परेचर, व्हाट द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड सराउंडिंग। जो लिक्विड को आपको इवेपोरेट करना है वो लिक्विड और सराउंडिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वो डिफरेंस के ऊपर आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड है, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि मेरे पास हॉट वाटर है, अब ये हॉट वाटर मुझे बताओ, ये हॉट वाटर कूल करने के लिए आपको समर में ज़्यादा देर लगेगी कि विंटर में ज़्यादा देर लगेंगी, मतलब हॉट वाटर कूल कौन से सीजन में जल्दी होगा, अभी इमेजिन करो हम ये एग्जांपल के इसमें कंसीडर करते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस आपके वाटर को हॉट किया आपने, हॉट 100 डिग्री सेल्सियस तक के उसको आपने गर्म किया, 100 से बोल सकते हो अरे ये तो कन्वर्शन स्टार्ट हुआ, तो सपोज 99 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, 99 डिग्री सेल्सियस का वाटर है आपका और आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा समर में होता है ना, ओके। ये टेम्परेचर है आपके सराउंडिंग का, ओके। अभी विंटर के डेज में टेम्परेचर 99 डिग्री का है और सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, अब मुझे आप बताओ कि दोनों में कूलिंग की प्रोसेस फास्ट कहाँ पे होगी, समर में
कि विंटर में। आप देख के बता सकते हो डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का डिफरेंस समर में ज्यादा है कि विंटर में ज्यादा है? विंटर में ज्यादा है ना। इसका मतलब कूलिंग की प्रोसेस फास्ट कहाँ पे होगी? विंटर में होगी। विंटर में आप पानी गर्म करो नहाने के लिए, वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। समर में ऐसा नहीं होता है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंड थिंग ऑन विच द टेम्परेचर, ऑन विच द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड। वॉट द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ऑन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, थर्ड चीज जो है, द रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर इन द सराउंडिंग। मॉइस्चर मतलब प्रेजेंस ऑफ वॉटर वेपर इन द सराउंडिंग। वॉटर वेपर में सराउंडिंग के में अगर वाटर वेपर ज़्यादा है, ऑलरेडी उसमें ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ऐसे वक्त वो क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इवोपरेट नहीं करेगा। मतलब मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मॉइस्चर अगर एयर में ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा। मॉइस्चर अगर कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर से समर और मॉनसून कंसीडर करते हैं अपन। समर और मॉनसून, अभी मुझे बताओ समर में मॉइस्चर ज्यादा होता है एयर में कि मॉनसून में? समर में एयर में मॉइस्चर कैसे होता है, ज्यादा होता है। अगर नहीं सॉरी मैंने उल्टा बताया, मॉनसून में एयर में मॉइस्चर ज्यादा होता है, वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा होता है, इसके वजह से रेट ऑफ इवोपरेशन मॉनसून में कम होता है, समर में ज्यादा होता है। समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, मॉनसून में कपड़े सूखने को समय ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में भी क्या है, वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, यह है थर्ड कंडीशन। और फोर्थ कंडीशन जो है जिसके ऊपर रेट ऑफ इवोपरेशन डिपेंड करता है, वो है विंड स्पीड। अगर स्पीड ज्यादा है विंड की तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा है, स्पीड अगर विंड की कम है तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी कम है। कई बार आप क्या करते हो, मॉनसून सीजन में अभी ये दिन बहुत नज़दीक है कि कई बार क्या होता है ना, अपना कपड़े सूखते ही नहीं, तो हम क्या करते हैं उनको घर में ला के फैन में सुखाते हैं। फैन में रखने के बाद में 2-3 घंटे में वो सूख जाते। घर के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ उसको मिली, उसको मिली विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड आपने बढ़ा दी, बढ़ गई, तो आपका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स। विच आर डिफरेंट फैक्टर्स, नंबर वन इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। नंबर टू इज डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड एंड सराउंडिंग। इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज मोर, देन रेट ऑफ इवोपरेशन इज मोर, एंड वाइस वर्सा। थर्ड हमने देखा था, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मॉइस्चर। मॉइस्चर अगर ज्यादा इसका मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन कम। ठीक है ना। और फोर्थ था विंड स्पीड। विंड स्पीड ज्यादा मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, फर्स्ट लेसन जो हमारा है मैटर इन आर सराउंडिंग, ये लेसन यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेसन है, हम उसको अभी समय है, उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी देखो इसके ऊपर के कुछ ब्लू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जो पहले का पार्ट हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी और आज भी थोड़ा सा कंटिन्यू किया, ये ब्लू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, 300 केल्विन एंड 573 केल्विन। 1 केल्विन में से सेल्सियस में इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, ये तो आ जाएगा आपको पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे उसकी स्टेट क्या होगी, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मतलब उसकी स्टेट क्या होगी, उसकी स्टेट होगी गैस। ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी दोनों स्टेट्स हो सकती है, ये लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग की प्रोसेस अभी शुरू है। ठीक है ना। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट।
अभी दैट इज रिलेटेड टू लैटेंट हीट. ओके, एट एनी फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो कि एट द टाइम ऑफ चेंजिंग द स्टेट द हीट एनर्जी सप्लाइड टू इट यूटिलाइज टू इंक्रीज द इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. इट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. इट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, दैट इज द रीजन फॉर इट. सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस. अगर आपको एटमोस्फेरिक गैसेस लिक्विफाई करने हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करने हैं, तो आप कौन से मेथड यूज करेंगे? यू विल यूज द मेथड ऑफ चेंजिंग इट्स प्रेशर. आप प्रेशर अगर चेंज करोगे तो आप उसको क्या कर सकते हो? लिक्विफाई कर सकते हो. ओके, दीज आर ब्लू क्वेश्चंस. यू हैव टू राइट आंसर्स ऑफ देम इन टू बुक. डिटेल में लिखना है. मैंने थोड़ी सी हिंट जो है प्रॉब्लम्स की दी आपको. उसके बाद में ये क्वेश्चंस, ब्लू क्वेश्चंस लास्ट के. व्हाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे. हॉट ड्राई डे पे डेजर्ट कूलर जो आपका है, एयर वाटर कूलर, ये बहुत अच्छे से कूलिंग करता है. क्यों? रीजन क्या है इसका? हॉट ड्राई डे मतलब टेम्परेचर हॉट है और एयर में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है. ये दोनों कंडीशन में आपका रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होता है? इंक्रीज्ड होता है या ज़्यादा होता है. इसके वजह से उसकी कूलिंग की प्रोसेस क्या होगी? ज़्यादा अच्छी तरह से होगी. हाउ डज द वाटर केप्ड इन एन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर. ये प्रोसेस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की है कि अर्दन पॉट काम कैसे करता है. ठीक है, वो लिखना है आपको. Why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? I think इसका भी आंसर मैंने आपको दिया है. मैंने सिर्फ परफ्यूम बोला था. सेम इज द कंडीशन फॉर पेट्रोल एंड एसिटोन. दोनों में अल्कोहल होता है. नेक्स्ट, why आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए saucer rather than a cup? Saucer में से क्यों हम इजिली हॉट ड्रिंक का सिप ले सकते हैं? I think this answer also I have explained here. फिफ्थ, वॉट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर. इसका जवाब तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये आता है. ओके, इसके बाद में आपको रीडिंग करनी है थोड़ी सी. ये जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये जो दो स्टेट्स है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो जानकारी के लिए. ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको करना है वो है इसकी एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि ये पहले तो आप लोग क्वेश्चंस कर लो. ठीक है, जो आपको डाउटफुल लगता है कि जो आपको नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप मुझे लिख के बताओ या उसका फोटो निकाल के दो. मैं उसके सॉल्यूशंस आपको देती हूँ. और ये क्वेश्चंस होने के बाद में आई विल गिव यू सम असाइनमेंट क्वेश्चंस टू बी सॉल्व फ्रॉम दिस लेसन ऑल्सो एंड फ्रॉम दैट सेल बायोलॉजी लेसन विच वी हैव फिनिश्ड बिफोर दिस ऑल्सो. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर.